हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिश के बारे में कि पॉलिश कितने टाइप्स की रहती है और इसमें किस पॉलिश को आप किस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं और हर पॉलिश का क्या क्या एडवांटेज और क्या क्या डिसएडवांटेज है। दोस्तों इससे पहले भी मैंने एक पॉलिश के ऊपर वीडियो दे रखी है पॉलिश पार्ट वन करके, तो जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों उस वीडियो में मैंने आपको बता रखा है जब आप अपने घर में पॉलिश करवाएं तो उससे पहले आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो टाइप्स ऑफ पॉलिश के बारे में, तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों दोनों ही बहुत ही पॉपुलर टाइप की पॉलिश है। एक है पीयू, यानी पीयू का पूरा नाम है पॉलीयूरेथेन, और एक है मेलामाइन। तो दोस्तों दोनों ही जो है वो हाइड्रोकार्बन बेस्ड पॉलिश है। दोस्तों इन दोनों पॉलिशों में होता क्या है कि एक वुड सरफेस के ऊपर एक फिल्म चढ़ती है जो कि लेमिनेशन टाइप होती है। जैसे हम मोबाइल के ऊपर लेमिनेशन चढ़ाते हैं तो इसी तरीके से वुड सरफेस के ऊपर एक लेमिनेटिंग लेयर जो है वो चढ़ाई चढ़ती है दोनों ही में। दोस्तों दोनों ही टाइप की पॉलिश के बेनिफिट ये हैं कि एक तो जब उसके ऊपर लेमिनेशन टाइप की एक सरफेस चढ़ जाती है तो उसको जो है वो मॉइस्चर से बच जाती है लकड़ी, और दूसरा उसमें डैमेज होने के चांस भी बहुत कम हो जाते हैं और दिखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। दोस्तों दोनों ही टाइप की पॉलिश का जो है वो स्प्रे से लगाया जाता है और इसको जो है वो लेयर बाय लेयर जो है इसके ऊपर कोटिंग करी जाती है, ट्रांसपेरेंट कोटिंग। तो अब आप देखेंगे कि दोनों की जो प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है और यही काफ़ी सारे लोगों को जो है वो पता नहीं होता। देखिए मेलामाइन की अगर बात करें तो ये 80s-90s में जो वो मार्केट में आई और काफ़ी पॉपुलर एकदम से हो गई क्योंकि ये बहुत ही इकोनॉमिकल टाइप की पॉलिश थी। तो दोस्तों जब इसे यूज़ करा तो इसमें जो जो प्रॉब्लम्स आई, सबसे पहली प्रॉब्लम तो इसकी ये थी कि ये मॉइस्चर रेजिस्टेंट इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाती। मतलब अगर इसे 10 out of 10 अगर मार्क्स दिया जाए मॉइस्चर रेजिस्टेंट के मामले में तो 10 out of 6 मार्क्स मिलेंगे। और फिर सेकेंड नंबर की प्रॉब्लम ये थी कि अगर इसे सनलाइट में अगर इसको लगाया जाए तो सनलाइट जब इसके ऊपर पड़ती है तो ये येल्लो येल्लो सा जो इसके ऊपर हो जाता है, स्पॉट्स पड़ जाते हैं। जो डोर और विंडोज़ के जो जॉइंट होते हैं अगर इसके ऊपर मेलामाइन करी जाए तो वो थोड़े टाइम बाद जो उसके जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे क्रैक्स आ जाते हैं, मतलब वहाँ से फट जाती है क्योंकि इस पॉलिश में फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम होती है। तो सब पीयू पॉलिश की बात की जाए तो 90s के एंड तक जो ये मार्केट में आई थी और इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं अगर हम इसे कंपेयर करें मेलामाइन से। सबसे पहला इसका बेनिफिट तो ये कि इसको वाटर का अगर इसके ऊपर पड़ते हैं बचा तो बिल्कुल जो है वाटर मॉइस्चर को रेजिस्ट करते हैं। अगर मैं इसे मार्क दूँ 10 out of 9 मार्क्स में दूंगा इसे वाटर रेजिस्टेंस के मामले में। फिर बात करते हैं एक्सटीरियर में, अगर इसके ऊपर धूप पड़ती है तो उसका कोई भी इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ता। अगर एक्सटीरियर में अगर आप पॉलिश अगर करवाना चाहते हैं विंडोज़ या फिर डोर्स में तो वहाँ पर जो आप पीयू पॉलिश का आप यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही रफ एंड टफ टाइप की पॉलिश है और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था मेलामाइन में जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो अगर आप पीयू पॉलिश करवाते हैं तो इसके जो जॉइंट्स हैं वहाँ पर क्रैक्स नहीं पड़ते। देखिए अब बात करते हैं पीयू और मेलामाइन में प्राइस का क्या फ़र्क आ जाता है। देखिए अगर मैं लेबर की बात करूँ तो लेबर ऑलमोस्ट सेम ही लगती है, प्रोसीजर दोनों का सेम है और इसमें जो पीयू पॉलिश है इसमें कोई ऐसी लेबर की ज़रूरत नहीं होती जिसको कि बहुत ही हाईली स्किल्ड हो। जो मेलामाइन कर सकती है वो पीयू भी बहुत ईजिली कर लेगी। लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे जो पॉलिश वाले हैं ठेकेदार, तो वो मेलामाइन के लिए जो है वो अलग चार्ज करते हैं और पीयू के लिए जो वो अलग चार्ज करते हैं। बेसिकली जो प्राइस का जो डिफरेंस आता है वो इसके मटेरियल में ही आता है। मतलब पीयू का जो मटेरियल है वो कॉस्टली पड़ता है अगर हम इसे कंपेयर करें मेलामाइन से, तो इसी कारण से जो है वो लेबर भी उसके लिए जो है एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। ये वही बात हो गई बेसिकली कि अगर आप मारुति स्विफ्ट की अगर हवा भरवाते हैं तो उसके वो अगर 10 रुपये ले रहा है, और सेम हवा अगर वो ऑडी में भर रहा है तो हवा तो सेम भर रहा है लेकिन ऑडी की वजह से उसमें जो हवा भरने की वैल्यू है वो 50 रुपये हो गई। तो ये फ़र्क आता है बस। तो दोस्तों अब इसका कंक्लूजन ये निकला कि जो पीयू पॉलिश है उसे आप एक्सटीरियर में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे धूप और बारिश का आपको लग रहा है कि वहाँ पे आ सकते हैं, और जो बाथरूम में अगर आप पॉलिश करवाते हैं तो वहाँ पे जो आप पीयू पॉलिश करवा सकते हैं, और जो आपका इंटीरियर का जो पार्ट है वहाँ पे आप मेलामाइन पॉलिश जो है वो करवा सकते हैं। और अगर कोई वुड का आपका कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कि जॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो वहाँ पे भी आप पीयू करवाइए, और जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपका इंटीरियर का प्रोडक्ट है वहाँ पे जॉइंट्स काफ़ी कम है तो वहाँ पे आप मेलामाइन भी करवा सकते हैं। दोस्तों जो पॉलिश का काम है वो बहुत ही कॉस्टली होता है और ये वन टाइम का इन्वेस्टमेंट रहता है, और इस ये जो पॉलिश है वो आपकी वुड को भी एक तो बचा के रखती है, उसको एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम कर दिया, और दूसरा आपके वुड को भी जो है वो निखार के ले जाते हैं, उसके लुक्स को जो बढ़ाती है। तो दोस्तों इसमें आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। और अगर प्राइस की बात करिए, अगर मैं मेलामाइन पॉलिश की बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट 100 से 150 rupees पर स्क्वायर फीट जो है विद L+M, यानी लेबर और मटेरियल अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूँ तो 100 से 150 rupees आपको जो है पड़ जाएगी। और अगर पीयू की बात करी जाए जिसमें L+M यानी लेबर और मटेरियल को जोड़ के, तो वो 200 से 250 rupees पर स्क्वायर फीट का जो है वो खर्चा आ जाएगा। और इसमें जो है बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं कि आप किस कंपनी का जो है वो पॉलिश यूज़ कर रहे हैं और किस एरिया में आप
तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन मैंने आपको मोटा मोटा एक आइडिया दे दिया, तो इससे आप जो है एक आपको आइडिया हो जाएगा कि इतना जो हमारा कॉस्ट आएगा। तो अब बात करते हैं लैकर पॉलिश के बारे में। अगर लैकर पॉलिश की बात करी जाए तो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली पॉलिश है, और इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम रहती है, और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी कम रहती है। और जब इसे हम यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी जल्दी सूख जाती है, और इस पर वर्क करना बहुत ही ईजी हो जाता है, बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि जब इसकी फर्स्ट लेयर को जब हम लगाते हैं तो 15 से लेकर के 20 मिनट के बीच में जो है वो जो आपकी लेयर जो आपने करी है वो रेडी हो जाती है कि आप उसके ऊपर सेकंड कोट भी कर दीजिए। दोस्तों ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, क्योंकि ये बेसिकली सॉल्वेंट बेस्ड जो है वो पॉलिश है। इसमें सॉल्वेंट जो जब उसे हम अप्लाई करते हैं सॉल्वेंट जो है वो इवेपोरेट हो जाता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि इसमें हर कोट के बाद जो आपको सैंडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब एक लेयर के ऊपर जब दूसरी लेयर जब डलती है तो वो जो दूसरी लेयर है वो फर्स्ट वाली लेयर में जो है इवॉल्व हो जाती है। दोस्तों जहाँ पर आपका इन्वायरमेंट अगर ठंडा है या फिर मॉइस्चर है तो वहाँ पर इस पॉलिश को जो है अवॉइड ही करिए। उसका रीज़न ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो लेयर है वो सेकेंड वाली लेयर में इवॉल्व हो जाती है, तो इसके ऊपर जब पानी डलता है तो वो पेनीट्रेट होकर के अंदर जो वुड है वहाँ तक पहुँच जाता है। और सबसे बड़ा एक इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब इसके ऊपर वाटर अगर गिरता है तो वहाँ पे जो वो वाइट वाइट से जो धब्बे पड़ जाते हैं। दोस्तों लैकर पॉलिश में स्क्रैच भी काफ़ी इजीली पड़ जाते हैं, और इसका यूज़ आप वहाँ पे कर सकते हैं जहाँ पर कि मॉइस्चर का काम बिल्कुल नहीं है और वहाँ पे सनलाइट भी बिल्कुल नहीं आ रही, तो वहाँ पर आप लैकर पॉलिश का आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अब अगर बात की जाए इसकी कॉस्टिंग की, तो एल प्लस एम यानी लेबर और मटीरियल को जोड़ के 80 से 100 रुपये पर स्क्वायर फीट तक का आपका खर्चा जो है इसमें आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो मेंटेनेंस है वो लो है, क्योंकि बेसिकली जो पीयू और मेलामाइन पॉलिश है अगर उसकी आप मेंटेनेंस करते हैं तो पहले जो उसकी जो ऊपर का जो पीयू और मेलामाइन है उसको जो वो उतारा जाता है, उसके बाद उसके ऊपर पॉलिश की जाती है। लेकिन लैकर में ऐसा नहीं होता, जो पॉलिश हो रखी है जो उसी के ऊपर ही जो है जब रिन्यू करवाते हैं या फिर उसको मेंटेन करवाते हैं तो उसी लेयर के ऊपर जो आप जस्ट अगली कोटिंग जो स्टार्ट कर सकते हैं। तो सब नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं फ्रेंच पॉलिश के बारे में। तो जब आपको वुड के ऊपर बहुत ही हाई ग्लॉस फिनिश चाहिए तो वहाँ पर जो है वो फ्रेंच पॉलिश का यूज़ किया जाता है। और बेसिकली फ्रेंच कोई पॉलिश नहीं है, फ्रेंच पॉलिश जो है वो एक तरह की प्रोसेस है, और फ्रेंच पॉलिश में जो कलर है काफ़ी डीप निकल के आता है। और इस पॉलिश में जो है वो जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है शेलाक। तो शेलाक में जो है वो अल्कोहल मिला करके इसकी पतली पतली लेयर जो है वो लगाई जाती है, उसके बाद जो फ्रेंच पॉलिश की जाती है। तो बेसिकली शेलाक है क्या? शेलाक बेसिकली एक नेचुरल मटेरियल है जो कि इंडिया या फिर जो थाईलैंड है उसमें जो ट्रीज उगते हैं वहाँ से जो है वो निकाला जाता है, और इसमें जब अल्कोहल को मिलाया जाता है तो बनता है लिक्विड शेलाक, जिसका जो है वो फ्रेंच पॉलिश में यूज़ किया जाता है। जनरली जो लेडीज़ होती है जो कि नेल पेंट का यूज़ करती है तो उसमें भी जो है वो लिक्विड शेलाक का ही यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही जल्दी सूख जाता है और आपको बहुत ही हाई ग्लॉस लुक देता है। तो दोस्तों मैंने आपको 4 टाइप्स की पॉलिश के बारे में आज बताया है, और मैक्सिमम यही पॉलिश जो है वो यूज़ की जाती है। इसमें भी सबसे ज़्यादा जो है वो पीयू, लैकर और मेलामाइन, यही 3 पॉलिश जो है वो मैक्सिमम यूज़ की जाती है। इसमें अलग अलग ब्रांड्स और अलग अलग क्वालिटी का हिसाब किताब होता है, तो उसमें आप कोई भी यूज़ करें वो आपके ऊपर मैटर करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर सकते हो, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारी इस तरह की वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।